चलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए डियर फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, इससे जल्द ही क्लास को शुरू कर दिया जाए। हाँ जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार लाइव आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट से देखते जाएंगे, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से करते जाएंगे, जरा भी समय नहीं लेंगे आपका, क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कहा गया है कि द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे। आपको बताना है द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे, डियर फटाफट से बता देना है। तो आप लोग जानते हैं द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे, तो आपको पता है सलमान रुश्दी। अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, कौन थे डियर, आप सभी को पता है सलमान रुश्दी थे। यह उपन्यास 1981 में प्रकाशित हुआ था, आपको याद रखना है, इसलिए ये इतना ज्यादा बहुत बार आया हुआ है क्योंकि 1981 में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और विभाजन के लिए भारत के संक्रमण के बारे में है और यह उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2008 में भी मिल चुका है, इसलिए यह ज्यादा फेमस है। थोड़ा सा बताना है इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता, तो ये पुराना है थोड़ा सा, कब का है आपको पता है, पुराना है, अब इस बार का नहीं है, पुराने का है, क्योंकि 2022 का ये क्या है आपको पता है, 2022 का ये पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, 2022 का पूछा गया है, 2022 में कौन था, तो आप लोग जानते हैं 2022 में कितनी टीमें खेली थी, इसमें जानते हैं कितनी, 11 टीमें खेलती हैं और जिसमें कौन जीता था, हैदराबाद ने जीता था। तो ये इससे मतलब नहीं है क्योंकि पुराना है तो कोई मतलब नहीं। हाँ ये पूछ लेता है कि इंडियन सुपर लीग की स्थापना कब हुई थी डियर, तो आपको पता है स्थापना पूछ सकता है, स्थापना आप लोग याद रखेंगे 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना पूछ लेता है, कोई विशेष खास नहीं। आगे देखो कहा गया है मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो एलियट इजराइल में हुआ था, जाने दो। एग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, लोकसभा में ऐसा होता है, किस अनुच्छेद में है, फटाफट बताएंगे, एक सेकंड जरा आप लोग रुकेंगे देर। चलिए देखो यहां पे चार नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताएंगे। हाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 331 में है, किसमें है, 331 में था, पूरी बात ध्यान समझना, 331 के तहत दो लोगों को नामित करने का अधिकार या मोदी सरकार द्वारा 20 जनवरी आप जानते हैं, यह जो है मोदी सरकार के द्वारा 20 जनवरी 2020 को समाप्त करने का फैसला लिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं, ये था आर्टिकल 331 में, लेकिन दो एग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन इस एग्लो इंडियन के जो लोग हैं इनको क्या कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया, ये पद को ही क्या कर लिया गया, जो मनोनीत का चयन प्रक्रिया था इसे समाप्त कर दिया गया, कब, 20 जनवरी 2020 को कर दिया गया, आप सभी को याद रखना है, क्लियर है डियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताएंगे क्या आंसर आएगा, सीएबी बताना है, सीएबीई का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बता देंगे, छाप देंगे क्या आंसर।
बताना है क्या होगा सी ए बी ई। तो सी ए बी ई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल सेंट्रल एडवाइजरी। याद रखिए क्या होगा डियर, सेंट्रल एडवाइजरी क्या होगा, याद रखेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या होगा बोर्ड ऑफ एजुकेशन टी आई ओ। ये क्या है इसका फुल नेम है, क्या है इसका फुल नेम है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसका आशय होता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका आशय क्या होता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है डियर। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी को इसे याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के सीईओ बनाए गए थे, किस कंपनी के सीईओ बनाए गए थे डियर। आप लोग जानते हैं ट्विटर कंपनी के बनाए गए थे, पुराना सब करंट है छोड़ो, ट्विटर के कंपनी के क्या बनाए गए थे आप जानते हैं, एक सोशल मीडिया है आपको याद रखना है ट्विटर। कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंध रखता है, तो आप लोग जानते हैं आपातकाल से संबंध रखता है आर्टिकल 356। कौन सा आर्टिकल 356 जो है आप जानते हैं आपातकाल से संबंध रखता है, अच्छी तरह से याद रखना है। भारत के संविधान में आपातकाल का तीन प्रकार से उल्लेख किया गया है, कितने आपातकाल का तीन प्रकार से उल्लेख किया गया है, 352, 356 और 360। 352, 356, 360 तीन प्रकार से आपातकाल घोषित कर जो है। पहली बात 352 करेंगे, जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है तो आर्टिकल 352 लगता है। 356 लगता है किसी राज्य के शासन की विफलता से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। डियर याद रखेंगे किससे, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये तीनों आप याद रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ऐसे प्रश्न है जो लगातार आते रहते हैं, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है डियर आप लोग बताएंगे, तो पटियाला पंजाब। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है डियर, तो पटियाला में स्थित है। पटियाला कहां पर है, पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। इसे नेताजी राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, क्या है एशिया का सबसे बड़ा संस्थान, एशिया का सबसे बड़ा संस्थान क्या होगा डियर, ये याद रखेंगे ये एशिया का सबसे बड़ा संस्थान होगा, याद रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है। और याद रखेंगे कि क्या कि इसका नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या है जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, क्या है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। इसका नाम क्या है भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखो, सबसे पुराना वेद कौन सा है डियर, ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, कौन सा वेद है सबसे पुराना, ऋग्वेद है। और हाँ याद रखें कौन सा है डियर, हाँ संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद है, आपको पता है यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें कितने मंडल हैं आप लोग जानते हैं, 10 मंडल, और कितने हैं 1028 सूक्त है, कितने 10 मंडल और 1028 सूक्त, 10 मंडल, इसमें कितने हैं 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, याद रखेंगे, जिसमें मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। अन्य वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे नवीनतम अगर पूछ ले अथर्ववेद कौन सा है, सबसे नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद, सबसे प्राचीनतम पूछे तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं सबसे अधिक इंद्र
पूछा जाता है सबसे अधिक किसकी बात की गई है, तो इंद्र के बारे में बात की गई है। इंद्र को देवता माना जाता था, किसका? आंधी तूफान चक्रवात वर्षा का देवता माना जाता था। इनका 250 सूक्त में केवल इंद्र का जिक्र किया गया है। किसका डियर? 250 सूक्त में इंद्र का जिक्र किया गया है। सबसे अधिक इंद्र की बात यहां पर होती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताना है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, जल्दी जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा। आप जानते हैं सबसे पहले कौन सा? तांबा। सबसे पहले मनुष्य किस धातु का प्रयोग करता था डियर? आप सभी लोग जानते हैं तांबे का प्रयोग करता था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले किया गया था भारत में। ताम्रपाषाण काल अवस्था, आप लोग जानते हैं कि मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी जो है महाराष्ट्र तथा पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भारत में है। आपको इसे याद रखना है, क्लियर। चलो, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ, अच्छा सा प्रश्न है, बताना है। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हो गया, फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे, अच्छा सा प्यारा सा आंसर है। चलो, आप लोग जानते हैं अगर मदर टेरेसा का जन्म पूछा जाए तो मेसिडोनिया, कहां डियर? मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ, तो मेसिडोनिया में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। मेसिडोनिया में कब हुआ था, तो आप जानते हैं 26 अगस्त 1910 को मेसिडोनिया, कब डियर? 26 अगस्त 1910 को कहां पर हुआ, मेसिडोनिया में हुआ, याद रखेंगे। क्या हुआ 1910 में मेसिडोनिया में हुआ? इनका वास्तविक नाम था क्या? अग्नेस गोंझा, क्लियर है? हाँ, क्या था? अग्नेस गोंझा, हाँ, बॉब जीजू, इतना बड़ा सा नाम था। ये मदर टेरेसा आप लोग जानते हैं, मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व के अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर दिए गए। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है, और आप जानते हैं मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिल चुका है। तो इतनी सारी इनको ख्यातियां प्राप्त है, तो एक अच्छी सी आप जानते हैं समाज सेविका कह सकते हैं। संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा है, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? पौष्टिकता की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है, ये आप सभी को बताना है डियर। आप सभी लोग जानते हैं पौष्टिकता की मात्रा, अगर पौष्टिकता की मात्रा सही है तो क्या कह सकते हैं, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा कह सकते हैं क्या? पौष्टिकता की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका डियर पूर्णता सही हो जाएगा, पौष्टिकता की मात्रा ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए सही हो जाएगा, जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? पौष्टिकता की मात्रा कहते हैं, याद रखना है, क्लियर है। चलो, कहा गया कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है डियर? तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, कच्ची पूड़ी, क्या पढ़ो? कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन खाते हैं? अंधे लोग, जिनको आंख नहीं है डियर, वो तो खा ही लेंगे कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी कौन खाते हैं? अंधे लोग खाते हैं। अंधे लोग का मतलब आंध्र प्रदेश। याद करने का तरीका है, अन्यथा ना ले, याद करने का तरीका, याद किसी तरह के तरीके से कर सकते हैं। तो कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अंधे लोग खाते हैं। अंधे लोग कहां रहते हैं? आंध्र प्रदेश में रहते हैं। आंध्र प्रदेश का मतलब कच्ची पूड़ी। कर्नाटक जो है, आप जानते हैं एक होता है बिहू, असम की बिहू होता है, क्या होता है? असम की क्या होता है? बिहू होता है, क्या होगा? असम की बिहू होगा। केरल का होता है कथकली, क्या होगा? कथकली। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? कथक, क्या होगा? उत्तर प्रदेश क्या होगा डियर? कथक होगा, आप सभी को याद रखना है। केरल का होगा कथकली, मोहिनी अट्टम, हाँ दोनों हो जाएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। देखो, बता दे रहा हूं जल्दी से, महत्वपूर्ण है, पक्का है, यहां से एक प्रश्न आपका आ ही जाने वाला है, क्या है? हाँ, मोहिनी अट्टम हो गया। ओडिशा का ओडिसी होता है सबसे आसान, ओडिशा का ओडिसी होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है, कथकली केरल का मैंने बता ही दिया है, क्या? कथकली केरल का बताया, मोहिनी अट्टम बताया, असम का बिहू बताया, उत्तर प्रदेश क्या बताया? कथक बता दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, तमिलनाडु का क्या होता है? तो भरतनाट्यम होता है।
क्या होगा डियर, तमिलनाडु का क्या होगा, भरतनाट्यम होगा। आप सभी को याद रखना है क्या होगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम होगा। और असम का बिहू भी होता है, सत्रिया भी होता है। कर्नाटक का क्या होता है, यक्षगान होता है। क्या होता है डियर, कर्नाटक का होता है यक्षगान। इतने सारे चीजों को आपको एक साथ लगातार याद रख लेना है, ठीक है। थिम्पू किस देश की राजधानी है, दुनिया की सबसे आसान। थिम्पू राजधानी किसकी है, तो आप लोग जानते हैं भूटान की है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। नेपाल की क्या है, काठमांडू है। श्रीलंका का क्या है, श्री जयवर्धने पुराकोट्टम, श्री जयवर्धने पुराकोट्टम, श्री जयवर्धने पुराकोट्टम कहाँ का है डियर, श्रीलंका का है। आपको याद रखना है, कोट्टम या कोट्टे होता है, जैसे जहां पर होता है वैसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। चल, कहा गया 1921 में पहली बार पुरुष राज की मांग किसने की थी, तो पहली बार 1921 में पहली बार अगर हम बात करें 1921 में पहली बार पुरुष राज की मांग किसने की थी डियर, तो आप सभी को याद रखना है मौलाना हसरत मोहानी। सबसे पहले किसने मांग की थी, तो मौलाना हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम मांग की थी, किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाला मौलाना हसरत मोहानी पहले कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। आपको याद रखना है किस अधिवेशन में, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन में याद रहेगा। किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से बताएंगे। किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। सत्यजीत रे पुरस्कार जल्दी जल्दी से छाप देंगे, हाँ किसके लिए दिया जाता है। चलो, तो आप लोग जानते हैं निर्देशन के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है डियर, निर्देशन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग जानते हैं किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है, तो आप सभी को पता है निर्देशन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप जानते हैं सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली फिल्मों में प्रमुखता से काम किया था, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है, सत्यजीत रे पुरस्कार निर्देशन के लिए दिया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, दुनिया का सबसे अच्छा और बढ़िया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, किसने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था डियर, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। हाँ, कब किया था, तो 2 जून 1875 ईस्वी में। कब किया था आविष्कार, कब किया था, तो 2 जून 1875 ईस्वी। डेट नहीं पूछता लेकिन ईस्वी पूछ लेता है, तो टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 ईस्वी को आपको पता है। ये किस देश के वैज्ञानिक थे, तो स्कॉट के वैज्ञानिक थे। कहां के निवासी हैं डियर, आपको याद, तो कहां के थे, स्कॉट के निवासी, स्कॉट के निवासी, स्कॉट के वैज्ञानिक ऐसा कह सकते हैं, स्कॉट के वैज्ञानिक थे। थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसका डियर, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था डियर, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। आप सभी को याद रखना है, क्लियर। चलो, कहा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है,
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा, शैल समाधि संघ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। चल आप लोग जानते हैं बुद्ध धम्म जिसे धर्म कहते हैं और संघ क्या है त्रिरत्न, तो बुद्ध धम्म और संघ। जहां पर बुद्ध का अर्थ क्या होता है जानो, जहां पर बुद्ध का अर्थ होता है तार्किक ज्ञान, धम्म का अर्थ होता है नैतिकता, तथा संघ का अर्थ होता है राज्य तर्क प्रधानों की संगत है। क्या है आपको पता है जो अर्थ क्या है? राज्य तर्क प्रधानों की संगत है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो, लाख किससे प्राप्त होता है? लाख, लाख किससे प्राप्त होता है? फटाफट बताएंगे, लाख किससे प्राप्त होता है? चलो, तो आप लोग जानते हैं लाख लाका कीटों के शरीर के श्रावण से, याद रखेंगे जो लाख है ये करीना लाका नामक कीट से, करीना लाका नामक कीट से, किससे डियर? करीना, किससे? करीना लाका नामक कीट से, कीटों जो है आप जानते हैं कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक जो है राल है, आपको याद रखना है। लाख के कीड़े प्लास कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाए जाते हैं। किस पर? प्लास, जो उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है प्लास, और किसमें? कुसुम तथा बेर, बेर जो आप अर्पण करते हैं भगवान भोलेनाथ को। तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, चल बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं विधान चंद्र राय अवार्ड, बीसी राय, आप जानते हैं विधान चंद्र, पूरा नाम विधान चंद्र राय, ये एक चिकित्सक थे और ये जो अवार्ड है इन्हीं के उपलक्ष में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक महान चिकित्सक थे विधान चंद्र राय, एक क्या थे डियर? चिकित्सक थे। क्या थे? आप सभी को याद रखना है। हाँ, आपको पता है एक क्या थे? चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी भी, चिकित्सक थे और क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे, आपको याद रखना है। इसीलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला, पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई? पहली औद्योगिक क्रांति बताएंगे, पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई डियर? आप सभी को पता है पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। पहली औद्योगिक क्रांति कहां हुई डियर? आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में हुई थी, याद रखेंगे। अगला, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? ये अच्छा सा प्रश्न है, बताओ जरा, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको कुछ कहना नहीं है, जल्दी से देख लो। तो देखो, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? आप जानते हैं ओपेरा मिनी, आप सभी लोग जानते हैं फायरफॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, क्रोम तो आप दाएं बाएं हाथ से नचाते रहते हो, परमानेंट क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी, ये सारे के सारे क्या है? इंटरनेट ब्राउजर है, लेकिन लेआउट नहीं है। क्या है डियर? लेआउट। कंप्यूटर से प्रश्न जरूर एक या दो आ जाता है, लेआउट वर्ड प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग में टेक्स्ट और ग्राफिक्स की व्यवस्था को संदर्भित करता है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? अगला, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है एनसीईआरटी, क्या संबंधित है डियर? 23 नंबर का ए सही हो जाएगा, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, याद रखें क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का क्या होगा डियर, फुल फॉर्म होगा, आपको याद रखना है, जिसे भारत में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहायता के लिए स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। कहा गया है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों एमिनो अम्ल को क्या होता है, अम्लीय वाले अमीनो अम्ल कहा जाता है, एसिडिक अम्लीय अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, क्लियर है। चल नेक्स्ट, हाँ सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका पूर्णतः सही है। आगे देखो नेक्स्ट, कहा गया है निम्नलिखित में कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है डियर, बैकेलाइट है। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का पूर्णता सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इन्हें इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इन्हें पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता, इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं, याद रखना है, क्लियर है। हाँ चलो क्लियर है, आगे देखा जाए नेक्स्ट। कहा गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला महिला पूछे तो कौन है, जुंको तैबेई। कौन है, जुंको तैबेई, अगर ऐसा पूछता है तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, जुंको तैबेई है। आप जानते हैं यह जापान की रहने वाली है। जुंको 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई करने वाली पहली महिला है। 7 महाद्वीपों में जितनी ऊंची चोटियां हैं सभी पर चढ़ाई करने वाली ये पहली महिला हो जाएंगी। डियर आप सभी को याद रखना है, ठीक है। कहा गया एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो आप लोग जानते हैं अधिनियम अगर पूछे, अगर आपसे क्या पूछे अधिनियम पूछे तो अधिनियम 1973 था। कौन सा था, अधिनियम 1973। पूरी बात ध्यान से समझना, भागने का प्रयास मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत ही करके आओगे, पक्का है। तो अगर अधिनियम पूछे एनसीईआरटी की, अगर अधिनियम पूछे तो अधिनियम 1973 के अधिनियम के तहत कौन सा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 कब, 1993 के अंतर्गत, 93 के अधिनियम के अंतर्गत, के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कब किया गया, पूरी बात समझो तो 17 अगस्त स्थापना कब किया गया, 17 अगस्त 1995, 2 वर्ष के बाद। अधिनियम जो है 1993 था, लेकिन इसकी जो स्थापना की गई ये कब की गई, तो आप सभी को पता है इसकी जो स्थापना है वह की गई 17 अगस्त 1995 को। पूरी बात को ध्यान से पढ़कर जाना है, जरा भी मिस्टेक नहीं करना है, आप सभी को अच्छे से याद रख लेना है, क्लियर है, याद रहेगा, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। चलो, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं डियर, तो फुफ्फुसावरण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, फुफ्फुसावरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कहते हैं, फुफ्फुसावरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं फुफ्फुसावरण उन सभी का सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है और प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से जो है
जानते हैं आवरित रहता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं डियर? प्लूरा कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो यह भी याद रखेंगे कि प्लूरा क्या है। तो प्रत्येक फेफड़ा दो झिल्लियों से जो है आवरित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूरा। क्लियर है? हाँ चलो आगे देखो। नेक्स्ट कहा गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? आप लोग जानते हैं 1990। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसको डियर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, सम्मानित किया गया? तो 1990 से किया गया। आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक तथा राजनीतिक नेता थे। इन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, करने वाली समिति का नेतृत्व किया, जिसके कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? संविधान, याद रखो, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का क्या किया? समिति का नेतृत्व किया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। याद रखें इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पुराना है। तो किसे दिया गया था? वैसे जाने रहो किसे दिया गया था, तो चंद्रभान खयाल को दिया गया था। अगला, पूर्णतावाद क्या है? ये अच्छा सा प्रश्न है। पूर्णतावाद क्या है डियर? फटाफट बताओ। तो पूर्णतावाद क्या है? व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्म मूल्यांकन, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली। तो व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्म मूल्यांकन और एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, सभी सही। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है ढेर? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही होगा। 31 नंबर का डी पूर्णतः सही हो जाएगा। क्लियर है? चल, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राम मोहन की कौन सी है? ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज और क्या है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज कौन? राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आप सभी को याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। क्लियर? चलो, ई संजीवनी की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2019। कब? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित ई संजीवनी योजना की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। आपको याद रखना है, पुराना हो गया है, कोई विशेष नहीं है, इसलिए जो पुराना हो जाता है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको याद रखना है। हिंदी का पाणिनी किसे कहा जाता है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनी अगर पूछे तो हिंदी का पाणिनी किसे कहा जाता है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है डियर। हिंदी का पाणिनी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनी कहते हैं। और ये हिंदी और संस्कृत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं व्याकरणाचार्य कौन थे? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे। ठीक है? हाँ, हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक या पाणिनी, दोनों का सेम है। अगला, अवकाश और क्वेड दोनों में शामिल देश कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। एयू के यूएस और क्वेड दोनों में शामिल देश कौन सा है? जो दोनों में शामिल है तो ऐसा कौन सा हो सकता है? खतरनाक देश होगा वही कौन? अमेरिका। हर जगह रहता है, जहां रहता है इसकी वही सम्मान होता रहता है। सम्मानित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति के हमेशा सम्मान होता है। अब जानते हैं जो है जिसे आकस के रूप में जाना जाता है, इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया अगर पूछा है तो सब देख लो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन
और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्या है, त्रिपक्षीय समझौता है। क्या है डियर, यह एक त्रिपक्षीय समझौता, देख ही रहे हो तो पूरा देख लो। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और यूएसए का एक क्या है, त्रिपक्षीय समझौता है, ठीक है। क्वेट, भारत जापान, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया कितने हैं, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए चार। क्वेट में कितने, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे कौन डियर, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वेट में शामिल है, ये जानते हैं। क्वेट एक अनौपचारिक रणनीति मंत्र है जिसमें चार राष्ट्र हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में कौन शामिल है, तो अमेरिका शामिल है, यूएसए शामिल है, देख सकते हो। इसमें से पूछा गया है ना डियर, हाँ, तो ऑप्शन में जो रहेगा वही तो हम करेंगे। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया, तो मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम करके उसे क्या कर दिया गया, पोषण मिशन कर दिया गया, आपको पता है कब किया गया, तो 28 सितंबर 2021 को कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पुराना है, 28 सितंबर 2021 को इसका नाम बदलकर मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पोषण मिशन योजना के नाम से इसे रख दिया गया, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है भारतीय रेल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बन रहा है, बनकर तैयार होने वाला है, तो आपको ये अच्छा सब याद रखना है कि सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा डियर, भारतीय रेल द्वारा, ये अच्छा सा बढ़िया सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी का स्थापना किया गया है, कहां पर, किशनगंज दिल्ली, किशनगंज दिल्ली में, कहां पर डियर, याद रखेंगे भारतीय रेल किशनगंज दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की, तो भुगतान और निपटान प्रणाली, किसकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही होगा, पुराना है इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं, यहाँ पर देखो पुराना करेंट है, लेकिन पुराना करेंट आपके एग्जाम में आएगा, फिलहाल 2023 में आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगला देखा जाए, नेक्स्ट, कहा गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहां डियर, जेनेवा, जिसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय वर्ल्ड, सॉरी हां WHO, याद रहेगा, चलो कोई डाउट है तो बता सकते हो। क्लियर है, चल, जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड,
क्लियर। कहाँ डियर? जिनेवा कहाँ पर है? आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। आगे कागा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन है? भूटान है, थाईलैंड नहीं है, बांग्लादेश है, मालदीव है। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड डियर सार्क सदस्य देश नहीं है। आप जानते हैं जो है थाईलैंड सार्क का सदस्य देश नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका नाम है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। स्थापना अगर इसे पूछे, स्थापना आठ दिसंबर 1885 काठमांडू। कहां पर? 8 दिसंबर 1885 को। अरे जी 18 लिख रहे हैं, 1900 है, सॉरी 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 भैया, ध्यान नहीं दिया, 1800 नहीं 1985। क्लियर 8 दिसंबर, हाँ याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 को। क्या हुआ है फिर से समझो, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश। आप सही है डियर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ध्यान से, हाँ कभी कभी हो जाया करते, दिमाग में कुछ और चल रहा था और ये आ गया, तो याद रखेंगे डियर, बिल्कुल सॉरी जी, ठीक है अब याद रहेगा। तो कब हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ था, आप सभी को याद रखना। क्लियर, चलो कहा गया है भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 2012 में भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया 2012 में। आप सभी को याद रखना, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी को याद रखना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत किसके द्वारा डियर? पॉक्सो एक्ट 2012 अधिनियम के तहत यह किया गया। आप जानते हैं यह अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों की यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको याद रखना है पॉक्सो एक्ट इससे संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहा गया है 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए किसके लिए? वित्तीय प्रौद्योगिकी जो है, वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किया था। तो 42 नंबर का कितना सही हो जाएगा? ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया है? 2021-22 में किया है। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, निर्यात 2021-22 में किया है। अगर भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात पूछे किस वित्तीय वर्ष में किया है, तो याद रखेंगे डियर 2021-22 में किया है। आप सभी को याद रखना है 43 नंबर का डी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही है, क्लियर। चल कहा गया है विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व की सबसे लंबी अटल टनल है, अटल सुरंग है, क्या नाम है अटल सुरंग? ऑप्शन नंबर बी क्या कौन हो जाएगा डियर? आपको याद रखना है अटल सुरंग, आप लोग जानते हैं आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रोहतांग दर्रे के पश्चिमी पहाड़ को काटकर बनाई गई है, आपको याद रखना है, क्लियर। चलो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा।
क्या है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है डियर? सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर लंबाई है किसकी? गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों का नाम पूछ लेता है, तो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक पेन गंगा और बेन गंगा और इंद्रावती। पेन गंगा, बेन गंगा और इंद्रावती इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं लगातार, उनसे भी एकदम से सही हो जाएगा। कहा गया सर्वम सुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? सर्वम दुख सॉरी सुखम कह रहे हैं सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है डियर? तो किसके द्वारा बताया गया है? बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है, आप सभी को इसे याद रखना है, ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है डियर? जल्दी से बताएंगे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलो तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं डियर, आप सभी को याद रखना है, क्लियर है। चलो विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। विश्व संगीत दिवस के रूप में कब मनाते हैं डियर? 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को याद रखना है। क्या? विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको याद रख लेना है, क्लियर। चलो आगे देखो नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो एक ही में सब आया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं 7 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, संगठन की क्या हुई थी डियर? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी क्या की गई थी डियर? स्थापना की गई थी WHO को। इसीलिए 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाना शुरू हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। क्या मनाया जाने लगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाने लगे। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस। एक अब जाते जाते अंतिम प्रश्न है, तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस। हम स्वयं मूर्ख हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे, आपने क्यों कहा कि हम मूर्ख हैं? मूर्ख आप लोग स्वयं हैं ही, क्योंकि हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं। और आपको पता है मूर्ख दिवस क्यों मनाया जाता है? मूर्ख दिवस मनाया जाता है, पहले अंग्रेज थे हमारे यहाँ, अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो हमारे यहाँ जो हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल को हिंदू
का नया वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 अप्रैल को हिंदू पंचांग के अनुसार पहले क्या माना जाता था, हिंदू का नव वर्ष नया वर्ष माना जाता था, इसीलिए नया वर्ष हिंदू का मनाया जाना था। लेकिन इसे क्या अंग्रेजों ने नाम दे दिया गया मूर्ख दिवस, क्योंकि वो हिंदू को वो भारतीयों को मूर्ख मानते थे और हम लोग आज भी वही प्रथा चलाते हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है, हम स्वयं के ऊपर हंसते हैं, स्वयं का दिवस मनाते हैं, स्वयं मूर्ख बनाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, मूर्ख दिवस मनाना बंद। तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस नहीं, ये आपको पता है हिंदू नया वर्ष का दिन होता है 1 अप्रैल को, तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, उर्वशी के लेखक कौन है, उर्वशी के लेखक कौन है, डियर फटाफट बता देंगे उर्वशी के लेखक कौन है, आज का अंतिम प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी रामधर सिंह दिनकर, कौन है डियर, उर्वशी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के लेखक है। आप सभी को याद रखना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है रामधारी दिनकर को। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान है इसके लिए 1972 ईस्वी में। कब मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार डियर, तो 1972 ईस्वी में इन्हें इसके लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप सभी को याद रखना है, क्लियर। तो ठीक है डियर, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है डियर, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जुड़े रहिए हमसे, तो क्लियर है। आप सभी लोग इतने ध्यान से, इतने संयम पूर्वक आपने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो संयम से पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं भटकने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि हर पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सिलेक्शन उनमें से उन्हीं का होते हैं जो लगातार लगे होते हैं संयमता से। तो आप सभी को हमारी तरफ से, जितने लोग संयमता से पढ़े हैं, जितने लोग लगातार क्लास को लिए हैं, उनको क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।